light this bitch up. What's up guys, this is Sophie, फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू और एक awesome कंटेंट के साथ। So guys, आज के वीडियो में काफी cool होने वाली, cool इस वजह से होने वाली क्योंकि हमारे पास आ गया है MSI की तरफ से Cortana GF66 जो कि आप लोगों को एक थंबनेल देख के आइडिया लग चुका रहेगा। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा हमारे पास जहर चीज़ है जो कि MSI की तरफ से ये i5 12 जनरेशन वाला है RTX 3050 Ti के साथ जो कि अभी तक शायद किसी ने किया रहेगा इस YouTube कंटेंट पर है बहुत सारे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इसका कंप्लीट स्पेक्स और रिव्यू और अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ, तो बने रहिए टिल दी एंड। सो गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ MSI Cortana GF66 जो कि नाम दिया हुआ है Cortana का, बहुत गहरा मतलब है जापानीज में जो कि मतलब है स्वॉर्ड यानी चॉप मीनिंग है Cortana का। बट इसमें इस वे में अगर अपन देखने जाए तो ये परफॉर्मेंस की उसमें चॉप है काफ़ी। तो आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो आप लोगों को मैं बॉक्स के आजू बाजू बता देता हूँ। इधर ट्रू गेमिंग MSI का लोगो दिया हुआ है, साइड की तरफ स्पेक्स बढ़ते हुए चले तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर कंप्लीट उस बारे में दिया हुआ है कि क्या कितने का है, कब मैन्युफैक्चर है, कितना प्राइस है 1,99,000। बट जो प्राइस है वो हम लोग को मिला है वो आप लोग को मैं एंडिंग में बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। तो फट से फट पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग फिर बताते हैं डिटेल रिव्यू, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो बहुत सारे लोग ने किए बट ये देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अंदर बॉक्स की तरफ बढ़ने चले तो अपने को 3-in-1 स्क्रीन प्रोटेक्टर, ट्रांसपेरेंट और कीबोर्ड स्किन्स मिलता है जो कि हम बाद में लगाएंगे, इसको रखते हैं साइड में। ऊपर की तरफ मिलता है कुछ मैनुअल गाइड जो कि MSI की तरफ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाइड तो हम दे रहे हैं। और साइड में मिलता है, इसके साइड मिलता है चार्जिंग का मिलता है जो कि 150 वॉट का, इसको भी साइड में रखते हैं। तो मेन जो तरफ आते हैं लैपटॉप की तरफ तो उसको साइड में रख के आप लोग को बताते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं इनबॉक्स एडेप्टर ये रहा, मेल्टा का एडेप्टर है जो कि काफ़ी लाइट वेट है और इजी टू कैरी हो सकता है। और ये रहा हमारा फ्रंट एंड लुक ऑफ MSI Cortana GF66 का जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कूल दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा सकता है। और ये फ्रंट पे जो आप लोगों को लोगो दिख रहा है ये MSI का लोगो ब्रांडिंग दिया हुआ जो कि एक अट्रैक्शन वे मोर कर रहा है। और मैं प्लास्टिक मटेरियल की बात करना चलूँ तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया। और बैक साइड आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो दिख रहा है ये क्वालिटी एयर फ्लो वाला है जो कि कूलर बूस्टर 5 रेवोल्यूशन कूलिंग फैन पीछे की तरफ लगा है जो कि आपके गेमिंग का GPU CPU का कूलिंग फास्ट हो जाएगा। और ये रहा हमारा कीबोर्ड लुक फ्रंटली। और ये आप लोग को मैं एक और एक बात बताना चाहता था कि आप ये जो लैपटॉप ये फुल्ली 360 खुलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों को कंप्लीट आगे मैं गाइड करते रहूँगा तो एक स्टेप देखते रहना। तो सबसे पहले करते हैं हमारे लैपटॉप को बूट, तो हम लोग बूट करते हैं जैसे आप लोग तो बता देता पहले हमने लॉगिन कर चुका है बट आप लोग के लिए एक बार फिर से करना पड़ता है। तो मैं आपको करता देखो देख सकते हैं MSI के लोगों के साथ होती है शुरुआत। मैं फट फिर पासवर्ड डाल के तो जैसे कि देख सकते जापानीज वॉरियर्स एस पर डिस्प्ले पे लगे हुए वॉलपेपर पे। तो आगे की तरफ देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे गेम और वो सिर्फ डाउनलोड करके रख चुके आप लोगों को पूरे कंप्लीट स्पेक्स बताने के लिए। तो पहले मैं इसके प्रोसेसर्स की तरफ चलता हूँ। मैं इसके स्पेक्स की बात करने चलूँ तो इसके अंदर आता है इंटेल का i5 12 जनरेशन जो कि 12450 हर्ट्ज का है। और ग्राफिक कार्ड्स की बात करने चलूँ तो इसके अंदर आता है NVIDIA का RTX 3050 Ti 4GB और DDR6 के साथ आता है। हाँ गाइस जैसे कि आप लोग पता है DDR6 के साथ आता है जो कि हम लोग आगे चल के गेम परफॉर्मेंस में बताने वाले हैं आप लोग को। और अगर मैं मेमोरीज की बात करने वालूँ तो ये 8GB के साथ आता है जो कि अपग्रेडेबल अप टू 64GB के आता है। और स्टोरेज मैंने लिया हो जो कि 512GB का है, NVIDIA SSD इसका 512GB का है। और OS की बात करने चलो तो OS आता है इसके अंदर विंडोज 11 होम आता है। और गाइस ये वाले स्पेक्स 3050 Ti के साथ जो कि आप लोग का गेम काफ़ी ऑसम होने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को गेम प्लेइंग के अंदर, क्योंकि स्मूथ और इसका FPS रेट 30-50 आता है जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आगे चल के। और इसकी ब्राइटनेस सो गाइस अगर मैं इसके डिस्प्ले और हर्ट्स की बात करना चाहूँ तो इसके अंदर आता है 144 हर्ट्स का 15.6 इंचेस का IPS लेवल डिस्प्ले आता है जो कि काफ़ी थिन और स्लिम बेजल है जो कि गाइस आप लोग इसके साइड में देख सकते हैं काफ़ी
थीन और काफ़ी स्लिम बेजल है इसके साइड बॉर्डर्स पे आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोग इसके अगर नीट्स की बात करना चाहूँ तो 255 नीट्स का रिफ्रेश वो है, जो कि ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होने वाली है आप लोगों को अगर कोई सनी या फिर बाहर आउटडोर्स पे काम कर रहे हो किसी चीज़ पे। और इसके अंदर आता है कूलर बूस्ट 5 थर्मल डिज़ाइन के साथ। और अगर मैं इसकी वाई कनेक्टिविटी की बात करने चलूँ तो इसके अंदर आता है वाईफाई 6, जो कि फास्ट कनेक्टिविटी अप टू लेटेस्ट अपडेट है। और ब्लूटूथ की बात करने चलूँ तो वो आता है 5.2 का, और RJ45 लैन भी आता है, जो कि मैं आगे चल के पोर्ट्स पे बताने वाला हूँ उस चीज़ को। सो कैसे अगर मैं लेफ्ट साइड की पोर्ट की बात करने चलूँ तो इस साइड बड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, जैसे जो कि वो एयर कूलर दिया हुआ है एयर पास करने के लिए। आपका लैपटॉप हीट हो चुका होगा तो आप लोग को इधर से ही कूलिंग होएगा और कूल पास होएगा। और नेक्स्ट साइड जो दिया हुआ है टाइप ए USB 3.2 जेन 1 दिया हुआ है, और उसके बाजू में दिया हुआ है टाइप ए USB 2.0 का। और अगर मैं राइट साइड के पोर्ट्स की बात करने चलूँ तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, इधर आता है पहले, सबसे पहले आता है टाइप ए USB 3.2 जेन आता है, और उसके बाजू में 3.5 mm जैक दिया, जो कि आप लोग ईयरफोन और कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाजू में दिया है टाइप सी का 3.2 जेन 1, जो कि उस साइड भी पोर्ट दिया हुआ है। और उसके बाजू में HDMI आया है, जो कि सपोर्ट करता है 4K 60Hz तक। और उसके बाजू में आप लोग को RJ45 दिया है, जो कि आपका लैन कनेक्टिविटी ईजिली हो सकता है लैपटॉप से डायरेक्ट। और वैसे अगर मैं इसकी लेंथ की बात करने चलूँ तो ये 259 mm है, और इसकी ब्रेथ की बात करने चलूँ जो कि हॉरिजॉन्टल में लेते वो 359 है। और कितना mm ये मोटा है, तो अगर मैं इसकी थिकनेस की बात मेन बात करने चलूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये थिकनेस में है कुछ समथिंग 24.5 mm। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी के साथ आप लोगों को एक और एक बात बताना चाहता था कि जो कि पीछे के एयर कूलिंग भी दिया हुआ है, और इस साइड देख सकते हैं आप लोग रबड़ की ग्रिप्स दिए हुए, जो कि आप लोग कोई फ्लैट चीज़ पे रखो तो या फिर स्लोप में रखो तो ये फिसले ना, एक तरफ ही ये प्रॉपर ग्रिप बना के रखेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इधर से रख लिया तो इधर से पूरा हिलेगा नहीं, पूरा टेबल हिल रहा है बट हमारा ये लैपटॉप नहीं हिल रहा है। तो वही कीबोर्ड और टच पैड की बात करने चलूँ तो ये गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से तो टच पैड आप लोग को इनफ है, क्योंकि मेन मोस्ट ऑफ द काम कीज़ के ही यूज़ होते हैं, और टच पैड दिया तो काफ़ी कूल है। और मैं अगर लैपटॉप के इस कीबोर्ड पे बात करने चलूँ तो काफ़ी अच्छा है, क्लिक देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ है। आप लोग अगर कोडिंग कर रहे हैं, जो गाइस लोग कोडिंग कर रहे हैं उन लोग के लिए भी काफ़ी स्मूथ होने वाला है कोडिंग, फास्ट क्विक प्ले होने वाला है इस पे। और अगर मैं इसके फॉन्ट्स की बात करने चलूँ तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि ये MSI कटाना है, तो जो फॉन्ट है लुक लाइक जापानीज टाइप में फॉन्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत, तो काफ़ी कूल है। और रेड रेड इफेक्ट एक और स्पेक्स बताता है, जो कि कटाना के तरफ जाता है इन वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करते हुए। सो गाइस अगर मैं इसकी बैटरी की बात करने चलूँ तो इसके अंदर आता है 53 वोल्ट का बैटरी। हाँ के गाइस काफ़ी कम है बैटरी, लास्ट अप टू 2 hours चलेगी, अगर आप 60Hz पे चलाएंगे तो आधा घंटा और या 40 minutes और पकड़ के चलिए। बैटरी इस वजह से कम है, मे बी द वेट और परफॉर्मेंस की वजह से, बट बैटरी ठीक है, एक 2.2 किलो वेट है इसका। अगर और बैटरी बढ़ाते तो मे बी द वेट ज़्यादा बढ़ जाता, बट कोई नहीं, इतना भी काफ़ी है हमारे लिए, हमारा काम निकल जाएगा। कोडर लोग के लिए काफ़ी अच्छी मजे आने वाली कोडिंग में, क्योंकि वो स्मूथ टर्बो चलने वाला है, टर्बो CC अपना पाइथन्स और जो भी विजुअल स्टूडियो चलने वाला, कहीं लैग नहीं होने वाला रन पे, और काफ़ी मज़ा आने वाला आप लोग को ये चलाने में। अगर जो लोग बाय करने जा रहे हैं तो मेरे एक वो बोलना चाहूँगा कि यू कैन गो फॉर दिस कटाना GF66। सो कैसे आप लोगों को मैं इसकी स्पीकर टेस्ट भी करके बताता हूँ, पर मैं जैसे कि मैंने अभी तक के यूज़ किया तो स्पीकर काफ़ी कम है इस स्पेक्स के हिसाब से, बट अगर आप गेमिंग पर्पस से देख रहे हो तो ठीक है, बट आप लोगों को मैं एक NCS प्ले करके बताता हूँ, जो कि मेरे को कॉपीराइट भी ना पड़े, तो ये ऐड आना तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वो नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। तो मैं इसको करता हूँ उसकी, जैसे कि देख सकते मैंने माइक इधर रख रहा हूँ स्पीकर के बाजू, जो कि राइट में भी एक स्पीकर है और लेफ्ट में भी एक स्पीकर है। Through the highways.
सो गाइज ये रहा कंप्लीट वीडियो और रिव्यू इस लैपटॉप के बारे में। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा और ये लैपटॉप भी पसंद आया रहेगा। MSI का कटाना जो कि काफ़ी चॉप लैपटॉप है परफॉर्मेंस के उस पर। तो अगर आप लोग इसके ऊपर कुछ कंप्लीट डिटेल और कुछ मेरे से छूट गया रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेशक और बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। तो वही अगर आप लोग बाय करना है तो इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे चुका रहूँगा। और आप लोग एक लास्ट नहीं तो लीस्ट क्वेश्चन रहेगा, मैंने कितने में लिया और कहाँ से बाय किया। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चलूँ तो मैंने ये बाय किया है तो मेरे को अमेजोन पे 77,000 रुपीज़ का मिल रहा था ये स्पेक्स के साथ, मतलब जो एडवांस स्पेक्स था उसके 16 GB के साथ, 8 GB जो कि मैंने नहीं लिया 16 GB के रैम के साथ। तो मेरे को 77 अमेजोन पे मिला, बट मैंने मार्केट में गया बहुत थोड़ा सर्च किया तो लेमिंगटन रोड पे जाके मेरे को ये 73 तक मिल चुका है, जो कि हाँ गाइस काफ़ी चीप में। आप लोग चाहिए तो मैं उसका एड्रेस भी दे दूंगा, वो विजिट कर सकते हैं अगर लेमिंगटन रोड आप लोग विजिट कर पाए तो, नहीं तो ऑनलाइन अमेजोन बाबा तो जिंदाबाद है। तो वही अगर आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया रहेगा और कंप्लीट इस लैपटॉप के बारे में रिव्यू भी पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्या पता किसी को चाहिए रहेगा तो वो भी इस इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट जान के ले सकता है। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट एक ऑसम वीडियो के साथ, टिल देन स्टे ब्लेस्ड और स्टे सेक्सी, बाय। It's just me and you.